तो गाइस ये है ट्रांसपोर्ट के ओनर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुरेश भाई के जारिया, यानी कि जेके के नाम से मेरे को सारे अलंग के अंदर पहचानते हैं। और मेरा बिजनेस है अलंग ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, मैं प्रमुख भी रह चुका हूं और मैं ऑल इंडिया में सब जगह पे ट्रक लोडिंग का काम करता हूँ। चाहे मुझे कोई भी जगह का माल मिले, यहाँ से मामसा हो या कन्याकुमारी हो, चाहे ऑल इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ मेरा ट्रक नहीं गया हो। तो ये जो ट्रांसपोर्ट रहता है वो इसका जो भाड़ा कैसे लगता है, साइज़ के हिसाब से कि वजन के हिसाब से? जैसे यहाँ हमारा गुजरात के अंदर हमारा अलंग ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, वहाँ का हमारा फिक्स भाड़ा है, यहाँ पर टन के हिसाब से भाड़ा लिया जाएगा। जैसे यहाँ से गाड़ी सीहोर गई तो 445 रुपया है, अगर यहाँ से गाड़ी मामसा गई तो 380 रुपया है, यहाँ से गाड़ी राजकोट गई तो 1050 है, यहाँ से गाड़ी वापी गई तो 1950 है। चाहे सूरत हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे ऑल इंडिया के अंदर गुजरात में जो हमारा एक एसोसिएशन का भाड़ा है, और हमारा इंडिया के अंदर दो जगह का भाड़ा यहाँ का मशहूर है कि यहाँ से ट्रक वाले को पूरा संतोष मिलता है। एक है ये अलंग और दूसरा जगह है ये गांधीधाम कच्छ। गांधीधाम कच्छ में भी एसोसिएशन है और हमारे अलंग के अंदर भी एसोसिएशन है। और बाहर का राज्य का जो भाड़ा है वो किलोमीटर के अंदाज से हम तय किया जाता है। जैसे यहाँ से हमारा बम्बई है, बम्बई यहाँ से 750 किलोमीटर है, 750 किलोमीटर के अंदर हमारा जो ट्रक है, जो बड़ी गाड़ी है उसमें 30 टन होता है, और उससे छोटी होती है उसमें 25 टन होता है, उससे छोटी है उसमें 20 टन होता है, उससे छोटी है 12 टन और 10 टन, 8 टन, 3 टन, 2 टन, 1 टन तक हमारे यहाँ से बार का लोडिंग होता है। और अगर उसको अलंग के बारे में भी कुछ पूछना हो तो भी पूछ सकते हैं, किराया हो और अलंग में क्या क्या मिलता है, कैसे लोडिंग होता है, क्या होता है। जो बाहर के आदमी हो, जिसने अलंग देखा नहीं हो, वो पहली बार आता हो, उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए माल, कैसी गाड़ी चाहिए, अलंग के बारे में एनी टाइम 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू ही रहता है।